नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या सिम्टम्स लक्षण होते हैं यदि आपके चार्ट में शनि अच्छे नहीं हो तो। यदि आपके चार्ट में शनि अच्छे नहीं है तो ये समझ लीजिए कि जीवन में दुख ही दुख, क्योंकि शनि का स्थान होता है यहां, यहां होता है हमारा थर्ड आई, ये है केतु का स्थान, ये शनि का स्थान। तो शनि का स्थान यहां होने से इसको ही भाग्य कहते हैं। शनि ठीक ना हो, शनि भाग्य में बैठा हुआ हो, शनि भाग्य को देख रहा हो, अच्छा भी हो तब भी वहां भी खराब हो जाता है। शनि चंद्रमा को देख रहा है खराब हो जाता है, क्यों? ये बनाएगा विषयोग। शनि अच्छा भी हो लेकिन शादी वाले घर पर बैठ जाए तो दुख पैदा कर देगा, लग्न में बैठेगा तो दुख पैदा कर देगा, सेकंड हाउस में बैठ जाएगा तो खर्चे बढ़ा देगा, फिफ्थ हाउस में बैठेगा अच्छा भी हो तो नेगेटिविटी क्रिएट कर देगा, छठे घर में बैठ जाएगा तो ये आपको नेगेटिव थॉट्स देगा। तो अलग अलग घरों में शनि अच्छे होते हुए भी अच्छा फल नहीं देते हैं, तो उन स्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए हम जानेंगे कि या तो शनि आपके अच्छे नहीं है या शनि गलत जगह बैठे हुए हैं और आपको कुफल दे रहे हैं। तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? पहली बात तो यह है कि जीवन में दुख का होना। दूसरी बात यह है कि यह समझ नहीं पाना कि क्या करें, क्योंकि शनि का स्थान यहां होने से यहां होता है तृतीय नेत्र, थर्ड आई की बातें कर रहा हूं मैं। तो थर्ड आई यदि आपका बैलेंस नहीं होगा, एक्टिवेटेड नहीं होगा, डोरमेंट होगा या इनएक्टिव होगा, तो आप भविष्य को कैसे देख पाएंगे? फोर साइटेडनेस कैसे आएगा? भविष्य की तरफ आप सोच भी नहीं पाते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं कि जिंदगी आपको कहां लेकर जा रही है, कहां जा रहे हैं आप। यदि शनि अच्छा नहीं होगा और मैं आपसे पूछूं कि आप 5 साल बाद जिंदगी में कहां होंगे, आप कहेंगे पता नहीं, आई डोंट नो। देखा जाएगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है। जब आपका गंतव्य स्थल ही आपको पता नहीं है, कहां जाना है आपको पता नहीं है, तो कैसे तय कीजिएगा कि कैसे जाना है, वहां क्या करना होगा वहां जाने के लिए। एम्बिशियस जो लोग होते हैं, जब उनके शनि अच्छा नहीं है तो एम्बिशन का कोई फल होगा ही नहीं, ये तो केवल ये हो जाएगी कि जैसे ख्याली पुलाव, ख्याल में ही पुलाव बन रहे और खा रहे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सोचते रहते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, अमुक हो जाएगा, ढिमुक हो जाएगा, होता कुछ नहीं है, क्योंकि शनि उनके फेवर में नहीं होने से दूरदृष्टि होती नहीं है, थर्ड आई उनको बता नहीं पाता कि कहाँ जाना है। मैं कहता हूँ शनि GPS है, GPS की तरह बिहेव करते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। जैसे GPS आपको सही जगह ले जाता है, सही समय पहुंचाता है, गलत कहीं ट्रैफिक जाम है तो बताता है कि यहां से मत जाइए, ये डाइवर्सन लीजिए, वैसे ही शनि आपको बताता है कि भविष्य की तरह गति करने के लिए कौन सा मार्ग चुनना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, जाके वहां क्या करना चाहिए, जाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए आदि आदि। शनि आपके चार्ट में अच्छा नहीं है तो आपको कतई नीलम धारण नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों को मैंने देखा हुआ है सफर करते हुए परेशानी में फंसे हुए महंगे महंगे नीलम खरीद लेते हैं, पहन लेते हैं, फिर अपने किस्मत को ही रोते रहते हैं, कहते हैं कि किस्मत फूटी है, गलत चीजें हो रही हैं, नीलम भी पहन लिया तब भी कुछ नहीं हो रहा है, कई कई आदमी तो एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आदमी तो जेल चले जाते हैं। नीलम बहुत खतरनाक स्टोन है, बहुत पावरफुल स्टोन भी है, ये आपको रंग से राजा ही बना सकता है, आपको ऐसे ऐसे आइडिया दे सकता है कि आप जिंदगी में ऐसी चीजें करेंगे लोग वाह वाह कर उठेंगे, ये भी ताकत है नीलम में। लेकिन शनि का स्थान कहाँ है, आपकी दशा मत क्या चल रही है, सभी चीजों का विवेचन करने के बाद में आप सही प्रकार का यदि नीलम धारण करेंगे जो कि अनहीटेड हो, अनहीटेड अनट्रीटेड हो, ऐसे स्टोन को पहनेंगे तो फायदा करेगा, हीटेड नीलम को पहन लेंगे तो शनि अच्छा भी होगा तो और दुर्दिन आपको आ जाएंगे, यदि शनि अभी खराब है तो और खराब हो जाएंगे, आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, पैसे की धन की हानि होगी, मान की हानि होगी, शांति की हानि होगी, जीवन में केवल दुख ही दुख के बादल मंडराने लगेंगे और आप त्राही त्राही करेंगे कि हो क्या रहा है, ऐसा खतरा हो जाता है। जहां भी आपको डाउट हो, जहां भी आपको संशय हो कि शनि अच्छा है कि नहीं है, आप नीलम को हाथ मत लगाइएगा। यदि क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर से सही ढंग से समझ के लॉजिकली एक्सप्लेन किया हुआ यदि आपके दिमाग में बात आती है तभी आप नीलम पहनिएगा, अदरवाइज छूना मत। जहां भी कहीं डाउट है 17 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और जिंदगी में समाधान पाइए शनि के लिए। 17 मुखी रुद्राक्ष हमने 100,000 ऑफ पीपल को दिया हुआ है और सबसे हमको जो फीडबैक आई हुई है ये फीडबैक है कि अच्छा हो रहा है, मन में शांति आ रही है, फोर साइटेडनेस हो रहा है, भविष्य के बारे में सोच पा रहे हैं, दुख का निवारण हो रहा है। 17 मुखी रुद्राक्ष इंडोनेशिया के पहने या नेपाल के पहने,
सभी के विवरण हमारी वेबसाइट में दिए हुए ऊपर, वहां से आप इसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं और सर्टिफिकेट के साथ में ओरिजिनल रुद्राक्ष आप खरीदेंगे जो कि आप ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हैं। और इसकी गारंटी, रुद्राक्ष की गारंटी, ओरिजिनलिटी गारंटी तो मैं खुद आपको देता हूँ क्योंकि मेरे हाथ से गुजरता है। तो शनिवार के दिन में आप ब्लू कलर के ब्लैक कलर के कपड़े पहने, ब्लू ब्लैक चीजों का सेवन करें। स्वामी अयप्पन टेम्पल जा सकते हैं, शनि टेम्पल जा सकते हैं, आप माँ काली की पूजा कर सकते हैं। ये सब करेंगे तो शनि आपकी कुपित भी होंगे तो शांत होंगे। अगले वीडियो में बात करने वाले हैं राहु के बारे में। राहु चार्ट में अच्छा नहीं हो तो कैसे जाने, क्या करें, क्या उपाय है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तब तक के लिए आगे दीजिएगा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।